गाइस, मैंने समी वॉच रहा, आप देख रहे हैं समी मूवी बॉक्स। तो कहानी कुछ ज़्यादा बुरी है मेरे भाई। आज आज का दिन अच्छा तो नहीं कह सकते। आज का दिन बहुत सारे एक्सीडेंट वाकया आज के दिन ऐसे वाकया हुए हैं, नॉर्मल से एक्सीडेंट हुए हैं मेरे साथ। तो आज का दिन अच्छा तो मैं नहीं कह सकता, बुरा है मेरे लिए। पता नहीं आगे जाके कितना बुरा होगा। अभी आपके 5 बज रहे हैं, अभी तक तो बुरा चल रहा है, पता नहीं आगे तक कितना बुरा चलेगा। तो एक वो दिन था जिस दिन मैं जा रहा था अपना एडमिशन करवाने बैरिया मॉडल कॉलेज। तो मेरे दूसरे ब्लॉग में शायद आप लोगों ने देखा होगा, उसमें मैं जा रहा हूँ, मैं और बाबा एडमिशन लेने। तो एक आज का दिन है, तो आज के दिन तो मैं कॉलेज नहीं जा रहा हूँ, लेकिन कॉलेज क्योंकि मुझे कॉलेज जाना मना है, मुझे कॉलेज अंदर घुसने ही नहीं देते। इतना वो है, आप समझ गए होंगे, इतना हुआ। तो आज मैं जा रहा हूँ यूपी इधर अपना स्लिप लेने और सर्टिफिकेट लेने। तो यार नॉट अ गुड डे एट ऑल, इतना अच्छा दिन नहीं है। सिर्फ सर्टिफिकेट स्कूल से निकाल दिया गया है, तीसरी बार है एक साल में 3 बार। तो आगे भी आपसे कंटिन्यू करेंगे, तो अभी मैं जाके तैयार हूँगा, तो यूपी के घर जाके सर्टिफिकेट लूँगा, तैयार होकर आपसे मिलता हूँ, फिर चलते हैं। तो आ भाया, तो चलते बनते हैं वीपी के घर। तो वीपी के घर सर्टिफिकेट लेने जाना है, तो वीपी के घर जाके सर्टिफिकेट लेंगे और स्लिप लेंगे, क्योंकि 11 तारीख को हो रहे हैं हमारे एग्ज़ाम। तो एग्ज़ाम 11 तारीख को हो रहे हैं। अभी आपकी हैं, आपका है। तो अभी आपके 9 डेट है, तो 9 डेट है आज का। कल परसों पेपर हो रहे हैं बोर्ड के एग्ज़ाम के। तो पहला पेपर या बोर्ड नहीं है, जोलॉजी होगी। वो तो पेपर देखने के सिर्फ देखने के बाद ही पता चलेगा कौन सा पहला पेपर है, क्योंकि अभी तक मुझे कोई ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो आज मैंने गाइड वगैरह सब कुछ ले लिया है, मुकम्मल कर लिया है। तो प्रिपरेशन अल्हम्दुलिल्लाह आपके भाई का VIP है, प्रिपरेशन VIP होगा, क्यों नहीं होगा। तो यार दुख तो बहुत हो रहा है, वीपी की दर्जा के सर्टिफिकेट लेना। तो एक और दिन था जिस दिन मैं जा रहा था कॉलेज अपना एडमिशन करवाने, मैं और बाबा, और एक आज का दिन है मैं अकेला जा रहा हूँ वीपी के द्वारा सर्टिफिकेट लेने। तो दुख तो जाहिर सी बात हो गई, 14 साल मैंने इस कॉलेज में पढ़ाई की है, 14 या 10 साल, बहुत सारी यादें बनाए, माइलस्टोन्स, कुछ अच्छी कुछ बुरी, कुछ बहुत ज़्यादा अच्छे दिन बिताए, कुछ बहुत ज़्यादा बुरे दिन भी बिताए। तो जाहिर सी बात है अफसोस तो एक बंदे को हुआ, लेकिन जिंदगी मेरी यहीं पर स्टक और रुक नहीं जाती। ज़िंदगी इज़ नेम ऑफ मूविंग, हमेशा आगे बढ़ते रहना पड़ता है हमें। जहाँ पर हम रुक गए तो समझ लेना भाई, आप रुक गए समझो आप मर गए, क्योंकि आपका काम वहीं पर ख़त्म होता है। आपको कभी भी गिव अप करना नहीं पड़ता लाइफ में। अगर आप गिव अप करेंगे तो आप गिव अप करेंगे और क्या करेंगे, गिव भी करेंगे। तो गिव अप करना नहीं है भाई, में नेवर गिव अप करना है। तो लाइफ इज़ नेवर मूविंग, चलते रहना है। जितना चलेंगे उतना ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। एक साल मुकम्मल पूरा तरीके से नहीं हुआ था, लेकिन आपके भाई के 3 सर्टिफिकेट निकल चुका था। तो साल में होते हैं आपके 12 महीने में, इतना तो नॉलेज है मुझे, 12 महीनों में मुश्किल से मैंने 6 महीने अटेंड किया होगा क्लास शायद, या नहीं, क्योंकि बाकी महीनों में मसाए मेरे चल रहे थे। 3 सर्टिफिकेट निकल चुके थे, पता नहीं कितने महीने मैंने अटेंड नहीं किया क्लास, क्योंकि सर्टिफिकेट की वजह से मुझे स्कूल में आने नहीं दे रहे थे। तो क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं, बस चलते रहने ना। तो यार दुख तो हो रहा है, बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, लेकिन दुख और अफसोस जताने के सिवा हम कुछ कर भी नहीं सकते। मैं तो कुछ नहीं कर सकता हूँ अपने आप को। तो ये मेरा पहला सिटिंग ब्लॉग है, तो मैं ज़्यादा आप लोगों को बोर नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने पहले कभी भी सिटिंग ब्लॉग नहीं की, तो मेरा पहला है। जो भी मैंने ब्लॉग की है, कहीं पे जा रहा था मैं, कभी बसों, कभी ताक, कभी डांट, कभी कॉलेज में, कभी बाहर, तो यही थे। तो ये मेरा पहला सिटिंग ब्लॉग है, तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा। अगर आप लोग बोर हो गए हो तो डिसलाइक का बटन तो ना दबाएँ, इतना भी डिस्क्रेच मत करें बंदे को। तो लाइक फिर भी दबा दें, अगर पसंद नहीं है फिर भी लाइक दबा दें, सब्सक्राइब कर लें, शेयर भी कर लें अगर पसंद आया तो, नहीं आया तो शेयर मत करें, शेयर करने का कोई बात नहीं। तो यही है, ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि ज़्यादा कहने के लिए मेरे पास कुछ है ही नहीं, क्या कहूँगा। तो अभी जाके बस सर्टिफिकेट ले के वापस से घर आना है, नहीं घर नहीं जाना है, दुकान जाना है। बाइक का कॉल आ रहा है, क्योंकि भाई को जाना है मैच खेलने, प्रैक्टिस यहाँ पे टूर्नामेंट शुरू हुआ है, भाई को जाना है मैच खेलने, प्रैक्टिस करना है। तो यहाँ पे उमर ने अभी हवा बार इतनी तेज़ चल रही है ना, पूछूंगा
घुमड़ा का यही मसला है, जब गर्मियों को सीज़न आता है ना तो यहाँ पे हवाएं चलना शुरू हो जाती है। हवाओं का मसला नहीं है यहाँ पे, मसला जो मिट्टी है ना वो जब उठती है तो वो ज़्यादा डिस्टर्ब करती है, बाकी हवा का कोई मसला नहीं। हवा तो चलते रहना, अगर हवा रुक गया तो आदमी ही रुक जाएगा ना, आदमी ही मर जाएगा, तो हवा चलते रहना है। तो यही है ज़्यादा, मैं यार क्या करूँ, कुछ कहने के लिए यही नहीं मेरे पास ना, तो यही भाई कहानी। तो यार अफसोस की यही है, अल्लाह हाफिज़, बाय।